Assalamu alaikum, it's Heather Ali, manager sales from 5G Group of Companies. What is 5G Group of Companies? Actually, it's all about real estate. जिसके अंडर आपकी तीन सब्सिडरीज काम कर रही हैं, 5G properties, 5G construction और 5G marketing. आज हम मौजूद हैं 5G properties के प्लेटफॉर्म से, जिसका स्लोगन है the services you deserve, the name you trust. और उन्हीं सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए आज हम अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर मौजूद हैं, जिसका नाम है नोवा सिटी, जिससे रिलेटेड आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज भी थी, बहुत सारे सवालात भी थे, और उन्हीं के जवाब लेने के लिए आज हम नोवा सिटी मौजूद हैं. नोवा सिटी आपके इस्लामाबाद से 10 मिनट के फासले पर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 5 मिनट के फासले पर और सीपैक से 0 मिनट के फासले पर वाक़ है. और आज हम नोवा सिटी मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब के लिए, जो हम लेंगे नोवा सिटी के ऑफिशियल्स से. और आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सेल्स साकिब राजा. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाएं सर. अल्लाह का करम. थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग यू सच अ प्रेशियस टाइम. और आज आपके पास हम इसलिए पहुंचे हैं कि मार्केट एनालिसिस के बाद जो हमने इम्पैक्ट देखा है नोवा का, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज हमारे कस्टमर्स की, हमारी अपनी भी, जो हम लेकर आज आपके पास आए हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस नाम में ऐसा क्या है कि इसका इतना इम्पैक्ट है, नोवा? व्हाट इज़ नोवा एक्चुअली? ये क्वेश्चन जो है, ये इनिशली बहुत से हमारे जो ऑनरेबल एलीट सेल्स पार्टनर्स भी हैं और ऑडियंस भी है और हमारे एंड यूज़र्स भी हैं, उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आया था कि नोवा. नोवा लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है न्यू. अच्छा. या एक ओपनिंग भी ना, या स्टार्स की तरफ भी ये इसका एक मीनिंग जाता है. तो नोवा इज़ न्यू. इनफैक्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो चेयरमैन साहब जो हैं, चौधरी जुनेद राव साहब हमारे, उनका जो विजन है इसके बारे में, वो ये कहते हैं कि जी और जो उन्होंने इसके बारे में ख्वाब देखा है, वो कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक नया शहर होगा, या आप इसको कह लें कि ये इंशाल्लाह ताला एक नया इस्लामाबाद होगा, या एक नई ऐसी रेजिडेंसी होगी जहाँ पर लोगों को, उनको एक घर के अंदर तो आप रहती हैं तो वो आपका घर होता है, लेकिन एक मोहल्ला भी आपका घर होता है, एक नेबरहुड भी आपका घर होता है. तो वो एक न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू चीज़ों के साथ मार्केट में आना, तो उसको एक नया नाम देना था. तो नोवा स्टैंड्स फॉर न्यू स्टार्स, एक स्टार्स की सोसाइटी, एक नोवा सोसाइटी, एक न्यू सोसाइटी. वेरी नाइस. और वाकई में इट्स अ न्यू सोसाइटी कि एवरीवन इज अप्रोचिंग टू नोवा. So, this is something else. अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि why you have choose this location for Nova City? Because अगर देखा जाए तो location तो बहुत ज़्यादा matter कर रही होती है आपकी किसी भी city या किसी भी society के लिए. Definitely. तो why you have choose? अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के surrounding का analysis लें, तो इस time पे जो सबसे बड़ा issue पिंडी में या इस्लामाबाद में न्यू प्रोजेक्ट्स को फेस हो रहा है, वो हो रहा है कम्युनिकेशन का, या टू कम्युनिकेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अल्हम्दुलिल्लाह, नोवा सिटी इज़ बीन सराउंडेड बाय 3 मेजर आर्टरीज ऑफ पाकिस्तान. सी पैक के ऊपर से तो आप खुद आए होंगे, अभी मोटरवे हमारे साथ है, जीटी रोड का एक्सेस हमारे पास है. तो ये वो लोकेशन बनती थी कि जो पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले तमाम लोगों को, और इवन दो सराउंडिंग्स में जो लोग पिशावर, लाहौर वहाँ से भी आते हैं, उनको एग्जैक्ट विदाउट एनी हर्डल्स इन द ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक डिलेज के बगैर, उनको वहाँ पे प्रॉपरली एक्सेस देने के लिए, तो ये लोकेशन उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आइडियल थी. और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने इसीलिए इस लोकेशन को सिलेक्ट किया ताकि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर एंड यूजर्स, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल हु विल बी रिजाइडिंग हियर, उनकी उस हर चीज़ को देखते हुए कि अगर वो कम्यूट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. क्योंकि जी अभी मैं भी आते हुए यही चीज़ देख रहा था कि आप
कि बहुत सारी मेजर सिटीज से आप बड़े आराम से अप्रोच कर सकते हैं नोवा सिटी को जस्ट बिकॉज ऑफ योर मोटरवे, योर सी पैक एंड योर जी टी रोड. कि आपकी एक्सेस बड़ी अच्छी है आपकी इस लोकेशन की, कि आज आकर पता चल रहा है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस लोकेशन इज़ फॉर यू. देखिए, जो इन तीनों आर्टरीज में से जो आपकी मेन आर्टरी है, एंड इन द फ्यूचर वी विल लेट यू नो कि वी आर बीइंग सराउंडेड बाय थ्री डैम्स टू. हमारे पास तीन डैम्स भी हैं आसपास. अगर अभी आप जो मेजर आर्टरी इस टाइम पे पाकिस्तान में समझी जा रही है वो मोटरवे है ना जी. तो पिशावर से जितने लोग आते हैं एंड दे वांट टू बाय ए हाउस और बाय ए प्लॉट, वो ये देखते हैं कि इजी एक्सेस कहाँ से मिलेगा. तो पिशावर यानी इस साइड का सारा एरिया जो है आपका, वो आप हकला इंटरचेंज से नीचे उतरें तो हार्डली 5 to 7 minutes पे जो है वो आप नोवा सिटी होंगे. लाहौर की तरफ से आप आती हैं तो लाहौर की तरफ से इस्लामाबाद का टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद आप आगे आ जाए हकला से उतरे तो आप नोवा में. नोवा से निकल के आप डिफरेंट, वो आप ख़ुद भी अपनी उसमें रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि पर्सनल रिसर्च इज़ मच बेटर देन व्हाट वी कैन से. कि आप यहाँ से ब्लू एरिया कितने टाइम में पहुँच जाएंगे, आप यहाँ से G13 कितनी देर में पहुँच जाएंगे, G15 कितनी देर में पहुँच जाएंगे, सदर कितनी देर में पहुँच जाएंगे. मेन हमारे यही है ना, मेन अप्रोचेबल जी जगह यही है. तो सर, अगर आप मुझे साइट से थोड़ा सा गाइड कर सके कि व्हाट आर योर डेवलपमेंट स्टेजेस और आज आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, कौन सी डेवलपमेंट स्टेजेस पे हैं और नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि इट्स अ न्यू बिगिनिंग राइट नाउ. तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मुझे थोड़ा सा साइट पे कुछ विजिट करवा दें, मैं साइट भी देखना चाहूँगा कि आपकी डेवलपमेंट क्या चल रही है, आप नेक्स्ट ईयर में या कमिंग 2 years में आप कहाँ पर होंगे, कमिंग 1 year में आप कहाँ पे होंगे, व्हाट आर योर प्लान्स. तो अगर हम उसको डिस्कस करें और साइट पे डिस्कस करें तो इट विल बी मच बेटर. इस बुलेवार्ड का मैं आपसे कह रहा था कि ये बुलेवार्ड जो है ये 1st of November को हमने शुरू की थी और ये 13th of November को कम्प्लीटेड थी. ये 1 kilometer 6 lane विद इन हाउ मैनी डेज, 13 days में. 13 days. और इसको बनाया इसलिए गया था ताकि रोड बेयरिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ टनस, कि कितने टन की व्हीकल इसके ऊपर से या हैवी मशीनरी जाएगी तो रोड को नुकसान नहीं होगा. और आप देख सकती हैं कि अभी 8-9 महीने हो गए या 10 महीने हो गए ना, ऐसे इस 10 महीने में इस रोड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक भी क्रैक नहीं है, आई नॉट इवन ए सिंगल डैमेज टू द रोड. मतलब कि आप क्वालिटी का खास ख्याल रख रहे हैं. ये चेयरमैन साहब का विजन है कि चीज़ ऐसी हो कि जिसकी मेंटेनेंस भी आपको एक स्पेसिफिक लॉन्ग टाइम के बाद ज़रूरत हो कि उसको हल्का सा मेंटेन किया जाए. क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट वो हो कि लोग याद रखें कि एक ऐसी चीज़ बनी थी कि जो बार बार टूटी नहीं. वेरी गुड. और ये सामने आप देख सकते हैं कि ये सामने जो है वो सी पैक, सी पैक जी. और सी पैक पे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आप वापसी में बेशक गाड़ी का ऑडोमीटर 0 पे करके देख लें, सेकंड हाई टेंशन वायर्स तक जो है वो आप ही हैं, नोवा ही है वहाँ पे. मतलब आप बिल्कुल सी पैक के साथ आपकी एंट्रेंस है, दिस इज़ योर एंट्रेंस और बिल्कुल. आप सी पैक से उतरे और आप साथ ही नोवा में. बिल्कुल. दिस इज़ योर मेन बुलेवार्ड जी. ये अभी मेन बुलेवार्ड ये अभी के इस्तेमाल के लिए है. इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इसका प्रॉपर काम शुरू होगा तो आप देखेंगे कि ये बुलेवार्ड भी इंशाल्लाह ताला आपको इससे बड़ा मिलेगा. साकिब साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे पास से बहुत सारी रजिस्ट्रेशन हुई हैं आपकी सोसाइटी की, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया आपकी सोसाइटी में. वो एक चीज़ पूछते हैं कि आपके प्रिलिमिनरी जो भी कुछ रिकमेंडेशन होती हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं और अभी कितना टाइम लगेगा और क्या स्टेटस है कि हम आज कहाँ स्टैंड करते हैं इसमें. हैदर साहब, प्रिलिमिनरी जो हमारे अप्रूवल्स हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से सारे हमारे पास हैं, और जो एक फाइनल का इंतज़ार होता है वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ख़त्म हो जाए.
अच्छा साकिब साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि इट्स अ ह्यूज लैंड, बड़ा वास्ट लैंड है यहाँ पर, तो अंदाजन अगर आप मुझे सब यहाँ से कुछ बता सकें कि कहाँ तक नोवा सिटी एक्सपैंड हो रहा है वैसे जनरली, कि वेयर विल बी नोवा सिटी, कहाँ तक होगी हमारी नोवा सिटी? बिल्कुल, इस टाइम तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सर्टेन थिंग्स। आपको पता है कि इस्लामाबाद की सराउंडिंग में इतने बड़े लैंड को एक्वायर करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब ऐसे, लेकिन अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो सी पैक आपका जा रहा है, और वो जो सेकंड हाई टेंशन वायर्स देख रहे हैं आप जी, बिल्कुल वहाँ तक जो है वो लैंड अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक्वायर्ड है। और अभी थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि अभी राइट साइड पे भी हम लोग कहाँ तक जा चुके हैं। जितना हम लोग अंदर ड्राइव कर आ गए हैं, इससे आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाएगा और ये काम देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना लैंड अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे लेवलिंग की स्टेज पे जा चुके हैं। वेरी गुड। नहीं, वो तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह पास्ट में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ थीं और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हो गई हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है, तो ऑब्वियसली यू आर ऑन द ट्रैक और अल्लाह आपको उस काम में आगे सक्सेस दे। अच्छा सर, आपके एक स्लोगन है अपग्रेडेड लाइफस्टाइल, तो वो अपग्रेडेड लाइफस्टाइल क्या है इसमें, मतलब उसमें क्या चीज़ें हैं ऐसी? जो हमारे चेयरमैन साहब का विजन है वो ये है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, जहाँ पे आपका घर है, तो आपका घर ही आपका वो घर नहीं है, जहाँ पे आप सेफ़ एंड सिक्योर रह रहे हैं वो नेबरहुड भी आपका घर है। ऐसे ही है, वहाँ पे आप इजीली अपनी फैमिली के साथ वॉक कर सकते हैं, फैमिली को लेके, अपने बिलवंस को लेके, एल्डर्स को लेके आप चहलकदमी कर सकते हैं, बाइक जा सकते हैं, पार्क्स। इसीलिए मेन फोकस किया गया कि जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह वॉकिंग ट्रैक्स है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं। अभी आप जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ के रेडी होने से पहले हमने सबसे पहले जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी है। मैं यहाँ पे लॉन टेनिस बने हुए देख रहा हूँ, दो कोर्ट्स उसके भी तैयार हैं, आपका फुटसॉल रेडी है, जिमनेजियम आपका रेडी है, इक्विपमेंट अंदर आ गया है, और बैडमिंटन के लिए भी, बैडमिंटन कोर्ट्स भी हैं जी, बैडमिंटन कोर्ट्स भी अंदर है, और ये वाली जगह मस्जिद के लिए इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी इसकी ओपनिंग बहुत जल्द है हमारी, और ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट मस्जिद होगी इंशाल्लाह ताला। और मुझे एक और चीज़ बताइए, क्या ये जो स्पोर्ट्स इस, ये कोई सिर्फ सेक्टर स्पोर्ट्स के लिए है कि ये हर सेक्टर में ऐसी कोई चीज़ आप देने जा रहे हैं? नहीं, जो हमारे चेयरमैन साहब का विजन है वो ये है कि आप जिस सेक्टर में होंगे उस सेक्टर का एक अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, एक अच्छा मतलब ये सारी चीज़ें आपको हर सेक्टर में मिलेंगी, हर सेक्टर में मिलेंगी आपको, इस चीज़ के लिए ऑल द वे ड्राइव करके 5 मिनट की या 6 मिनट की या पॉइंट ए टू पॉइंट बी कम्यूट नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने सेक्टर के अंदर ये सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। वेरी गुड। और आपकी साइट पे अगर देखा जाए तो जितनी खूबसूरत ये साइट है, इस पे तो वॉकिंग ट्रैक्स और आप बहुत अच्छा अकोमोडेट कर सकते हैं सब इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारे प्लान्स के अंदर है, और अकॉर्डिंगली मैं ये आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा ये चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं उनके उनका एक कॉन्सेप्ट है कि इफ़ थिंग्स नीड टू बी गेट डन दे नीड टू बी गेट डन विद क्वालिटी राइट अवे। हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और जो लोग पूछते हैं, अभी हमने देखा था आप लोगों ने मैक्सेंस को हायर किया था फॉर योर डेवलपमेंट। जी, मैक्सेंस के साथ हमारा जो है वो MOU है, और दे विल बी अवर पार्टनर डिवेलपर्स ऑन साइट इंशाल्लाह। चलिए, मैक्सेंस को तो लोग जानते ही हैं, CDA का बहुत सारा काम किया हुआ उन्होंने, इस्लामाबाद की डेवलपमेंट में बड़ा हाथ है मैक्सेंस का, वन ऑफ द रीनोन्ड कंपनीज है, लेट्स सी कि हाउ मैक्सेंस विल डेवलप। आप देखेंगे, मैंने आपसे जिस तरह कहा ना कि यू डोंट हैव टू वेट फॉर 4 ईयर्स, आपको विद इन मंथ्स चेंजेस दिखाई देंगे खुद इंशाल्लाह। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग भी इस टाइम से गुजरे हैं, पास्ट कुछ मंथ्स में कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि आप लोगों को कुछ रुकना पड़ा, कुछ काम आपका स्लो हो गया, तो व्हाट वाज इट एंड व्हाट वाज द स्टैंड अगेंस्ट दैट थिंग? वो एक सिचुएशन थी, एक जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ दिन ही वो चली थी और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो झाग बैठ गई थी,
बहुत से लोगों ने हमसे कहा था कि कंपनी की तरफ से नोवा सिटी की तरफ से कोई इस पे स्टेटमेंट आए या कोई बात आए, तो हमने एक पब्लिक नोटिस इशू किया था। ओह यस, आपको याद होगा। बिल्कुल, हमारी तरफ से हमारा स्टैंड वो पब्लिक नोटिस था, और पब्लिक नोटिस एक ऐसा होता है कि जो आप हाफ पेजर हमने दिया था और मेजर न्यूज़पेपर्स में दिया था, ताकि लोगों को और सबको ये पता चले कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और आज भी हमारा स्टैंड वहीं पर है इंशाल्लाह। वेरी नाइस, और मैं चाहूँगा कि वो हमारी स्क्रीन पर भी आप शो करें, ताकि वो पब्लिक नोटिस भी हम लोगों तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में कोई और सवाल है वो भी हमसे करिएगा, हम इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी ला कर देंगे। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड द सर्विसेज यू डिज़र्व, द नेम यू ट्रस्ट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।